आप ही बताइए कि सबसे बड़ा लुटेरा देश में कौन है। मांग ये है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और जेल जाएं अपने से। किसी की बेटी से बार चलाती है, कोई सेक्स रैकेट चलाता है, ये सब नजर नहीं आता है। लेकिन अब ये सब शुरुआत देख रहे हैं आप। आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। अभी हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में। यहां पे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं को द्वारा जो सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बार बार बुलाया जा रहा है, उसी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि ईडी सोनिया गांधी को बार बार क्यों बुलाया जा रहा है। बताइए, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पहले भी किए थे, सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा है। मैं सबसे पहले आप लोग ऐसे मीडिया का सम्मान करता हूँ जो आप यहाँ आए और हमारी बातों को रखने का मौका दिया। आप ही बताइए कि सबसे बड़ा लुटेरा देश में कौन है। नीरव मोदी, करेक्ट, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और तमाम तरह के कई गुजराती उद्योगपति, उसको छोड़कर हमारी महान नेता जिन्होंने दो बार प्रधानमंत्री पद का कुर्सी त्याग दिया, इसको पूछताछ करने का एक 75 साल की महिला क्या हक बनता है? क्या मैं इसको दुरुपयोग नहीं मानूंगा? और अगर दुरुपयोग मानेंगे ना तो कांग्रेस पार्टी पूरे भारत के हर रोड हर गली में आने वाले समय में जाम करेगा। अभी ये सब शुरुआत देख रहे हैं आप। इसके पहले भी आप लोग कारगिल चौक से धरना प्रदर्शन किए थे, बीच में बारिश भी हो गया था, तो वहाँ कुछ आश्वासन नहीं मिला, फिर आप लोग कर रहे हैं। आश्वासन क्या मिलेगा? ईडी तो पुतला बना हुआ है, ईडी को तो एक इंस्ट्रक्शन आया, उसको करना है। मेन कल्प्रिट तो हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह हैं जो देश बेचने में लगे हुए हैं। ईडी तो उनको बैठाना चाहिए जो 22,000 करोड़ एबीजी सीबीआई खा गया। ईडी उनको बैठाना चाहिए जो मेहुल चौकसी है जिसके साथ प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे हैं मलेशिया में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार का पेपर कह रहा है। शर्म आना चाहिए कि जिस किसी ने LIC को बनाया, जिस किसी ने रेलवे बनाया, बैंक बनाया, BHEL बनाया, उसको बेचने का काम जो ये कर रही है ना, तो एक एक चीज वापस ले लेंगे। क्या मांगे कर? मांग ये है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और जेल जाएं अपने से, ये मेरा मांग है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं की भीड़ लगी हुई है। देखिए किस तरीके से धूप में यहाँ पे जो नेता है और कार्यकर्ता है यहाँ पे कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम बताइए कि क्या मांगे कर रही है सोनिया गांधी को बार बार ईडी दफ्तर बुलाया? देखिए, मोदी सरकार जो है वो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कुछ काम नहीं कर पा रही है, तो इसी चलते विपक्ष के मुद्दों को भटकाने के लिए हमेशा विपक्ष पे ईडी और सीबीआई का छापा पड़वाती है ताकि कोई विपक्ष उस पे आवाज ना उठा सके। इसीलिए हम लोग आज सत्याग्रह कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से, इसलिए कि हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग तुम्हारे ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं है कि तुम विपक्ष पे ईडी और सीबीआई भेजोगे और हम लोग डर जाएंगे। जितना ईडी और सीबीआई भेजोगे उतने बुलंदी से हम लोग आवाज उठाएंगे जनता के लिए। जो 50 रुपए किलो आटा मिल रहा है और 250 रुपए किलो सरसों तेल मिल रहा है, 120 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, हम उस पे हम लोग एकदम बेबाकी से आवाज उठाएंगे, चाहे कितना भी ईडी और सीबीआई का छापा पड़े विपक्ष पे। क्योंकि हमारी जो सोनिया गांधी जी 3 बार पीएम का पद ठुकरा चुकी है, उस सोनिया गांधी जी पे ईडी का नोटिस भेजने में शर्म नहीं आता है मोदी जी को? पहले अपना मंत्री का गिरेबान में झाके देखे कि सब एक से काले कारनामा करता है, कोई कुछ करता है। किसी की बेटी से बार चलाती है, कोई सेक्स रैकेट चलाता है, ये सब नजर नहीं आता है। लेकिन जहां विपक्ष थोड़ा सा आवाज उठाएगा महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, युवा के सपोर्ट में आवाज उठाएगा, युवा जो सुसाइड करे उस पे आवाज उठाएगा, तो सीधे ईडी और सीबीआई से मोदी सरकार वो डराने का काम करती है, क्योंकि वो खुद ही डरी हुई सरकार है। 24 में उसको पता है कि इतना मनमानी कर रहे हैं, 24 में हम टिकने वाले नहीं है, इसीलिए विपक्ष को चुप कराने का काम करती है। ये देखिए ना, 1 by 1 सब विपक्ष पे वो नोटिस भेजती है, क्यों? डरपोक मोदी सरकार है इसीलिए भेजती है। अगर हिम्मत होता तो वो महंगाई कम करती, वो बेरोजगारी कम करती, लेकिन वो कुछ नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को डराने का काम करती है। लेकिन हम लोग भी कह रहे हैं, हम लोग दिल्ली तक में हमारी आवाज़ जाएगी कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे हैं और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये हम लोग मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि हम लोग जनता के मुद्दों पे आवाज़ उठाएंगे, महंगाई पे आवाज़ उठाएंगे, बेरोजगारी पे आवाज़ उठाएंगे, भले ही रेंगे मत मोदी सरकार के काम में, लेकिन हम कान में, लेकिन हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे कितना भी ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा ले, चाहे हम लोग को सबको जेल में भर दे, कुछ भी करे, कितना भी मनमानी करे, हम लोग डरने वाले नहीं।
नहीं है, हम लोग अपना मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और जनता के मुद्दों पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हम मौजूद थे पटना के गांधी मैदान में और यहाँ पे जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो ईडी के द्वारा बार बार सोनिया गांधी को बुलाया जा रहा है और पूछताछ किया जा रहा है, इसी को विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे भी ये लोग दिल्ली तक धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे टीडी न्यूज़। धन्यवाद।